बिहार से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नियमावली बनकर सामने आया है। यह नियमावली 10 अगस्त को सामने आया है, जिसके ऊपर राज्यपाल का साइन हो चुका है, यानी कि कंप्लीट नियमावली बनकर सामने आ चुका है। बिहार से जो 3 से 4 हजार के आसपास बहाली आने वाला है, वहां पे यह नियमावली लागू होगा। दोस्तों, इस नियमावली में जब आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप पीजी के साथ साथ नेट या फिर पीएचडी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल पते की बात है, यानी कि अगर आप अगर सिर्फ नेट भी क्वालिफाई हैं, पीजी में 55% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं अगर देखिए आप एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, यानी कि 50% पीजी में मार्क्स है और यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नेट जेआरएफ नहीं है तो अगर आप पीएचडी क्वालिफाई है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अब यहां पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आखिरकार सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस नियमावली में साफ किया गया है कि सिलेक्शन यहां पे आपका एकेडमिक स्कोर और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। जो आपका एकेडमिक स्कोर होगा उसका टोटल मैक्सिमम वेटेज 100 है। वहीं दोस्तों 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी कि दोस्तों यहां पे टोटल 115 मार्क्स होंगे, जिसके आधार पे एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट के अनुसार यहां पे सिलेक्शन होगा। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आखिरकार कौन से डिग्री को कितना मार्क्स दिया जाएगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन में अगर यदि कि आप 80% एंड एवर मार्क्स लेकर आए हैं तो आपको टोटल 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वहीं अगर यदि कि 60 से 80% के बीच मार्क्स है तो आपको 13 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। अगर यदि आपका 55% से लेकर के 60% के बीच है तो आपको यहां पे 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर यदि आपका 55% से नीचे मार्क्स है तो आपको यहां पे 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। उसी तरीके से पीजी में आ जाइए, पीजी में अगर यदि आप 80% से ज्यादा मार्क्स लाकर रखे हैं तो आपको 25 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। वहीं अगर 60 से 80% के बीच जितके मार्क्स लाकर रखे हैं तो आपको यहां पे 23 नंबर का वेटेज होगा। वहीं अगर यदि कि आपका ग्रेजुएशन में 60% से नीचे मार्क्स है तो आपको यहां पे 20 मार्क का वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से एमफिल का आपका देखा जाएगा, अगर यदि आप एमफिल करके रखे हैं और अगर यदि उसमें आपका यदि स्कोर 60% से ज्यादा है तो आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर जबकि आपका स्कोर बिलो 60 है तो आपको 5 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं पीएचडी के ऊपर। अगर जबकि आप पीएचडी करके रखे हैं तो आपको झोला भर के 30 अंक का वेटेज दे दिया जाएगा। जी हां, एक झोला मार्क्स आपको दे दिया जाएगा 30 अंक, चाहे पीएचडी आप जैसे किए हो, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हो, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से किए हो, चाहे आप एकदम बकवास यूनिवर्सिटी से किए हो, आपको हम 30 नंबर दे देंगे थोक में उठाकर। अच्छा, नेशनल लेवल का जो एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका सिर्फ और सिर्फ देंगे 5 नंबर। जी हां, अगर देखिए आप नेट क्वालिफाई है तो आपको 5 नंबर देंगे, अगर देखिए आप नेट विथ जेआरएफ है तो आपको 7 नंबर देंगे। दोस्तों, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ 7 नंबर, और यदि पीएचडी करके रखे हैं चाहे कहीं से करें आपको 30 नंबर देंगे। ठीक है, इसके अलावे अगर जबकि आपका रिसर्च पेपर जबकि पब्लिश हो चुका है तो मैक्सिमम 10 अंक आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे 10 अंक? अगर जबकि आपका 5 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो, यानी कि 2 अंक प्रति रिसर्च पेपर आपको दिया जाएगा। इसके अलावे दोस्तों यहां पे टीचिंग एक्सपीरियंस को भी कंसिडर किया जाएगा, 2 अंक प्रति ईयर और मैक्सिमम 10 अंक तक यहां पे टीचिंग एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। इसके अलावे अगर जबकि आपको अवार्ड मिला है, अगर जबकि आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है या नेशनल लेवल का यदि अवार्ड मिला है तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर जबकि आपको स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर जबकि पीएचडी के साथ साथ एमफिल भी है तो क्या उसको पीएचडी का भी अंक मिल जाएगा और एमफिल का भी मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर जबकि आप पीएचडी एमफिल दोनों किए हैं तो आपको मैक्सिमम यहां पे 30 अंक ही मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नेट जेआरएफ या फिर स्लैट क्वालिफाई किए हैं तीनों एक साथ, तो क्या आपको अलग अलग अंक मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको कितना मिलेगा? तो मैक्सिमम 7 ही मिल सकता है, यानी कि जेआरएफ वाला अंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जबकि आपको ढेर सारा अवार्ड मिला हुआ है
तो क्या होगा, तो उस केस में भी आपको सिर्फ 3 नंबर ही मैक्सिमम मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों आप जब यहां पे देखेंगे तो टोटल मिलाकर 100 अंक का आपका एकेडमिक हो जाता है। और इस एकेडमिक के अलावे यहां पे आपका 15 अंक का एक इंटरव्यू होगा। इस 115 अंक के आधार पे एक मेरिट तैयार किया जाएगा, जिस मेरिट में जो बच्चे आ जाएंगे उसको यहां पे क्वालिफाई माना जाएगा और वो बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर।